तो अभी तो भैया फिलहाल मेरा स्वैप इज इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू जो है वो एक तरीके से 1 हो जाएगी, एंड स्वैप्ड वापस से हम 0 कर देंगे। और भैया जैसे फॉर लूप में आते हैं, सो एन माइनस आई माइनस 1, आई क्या है 1, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, एन क्या है 4, 2 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 2, तो वी कैन गो टिल 1 बराबर। हम लोग 1 तक की वैल्यू ले सकते हैं जे की, 0 और 1 ये दो ही वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करोगे इस लूप में कि अभी हम इस 50 को कंसिडर नहीं करेंगे पेयर वाइज चेकिंग में, इस 50 को हम चेक नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी ये 50 अपनी सॉर्टेड पोजीशन हासिल कर चुका है, इसको अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। अब दिस हैज ऑक्यूपाइड इट सॉर्टेड पोजीशन, मतलब अगर इस पूरे एरे को सॉर्ट भी कर लोगे तो 50 की पोजीशन वही मिलेगी आपको। तो अभी इसको ऑर्डर मतलब रिलेटिव चेकिंग जो है, रिलेटिव पोजीशन चेकिंग, उसमें अभी इसको सम्मिलित करने की ज़रूरत नहीं है, सो जस्ट इग्नोर इट। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन चेक करेंगे रिलेटिव पोजीशन का, ठीक है। तो पहले भैया जे की वैल्यू 0 है, 0 और 1 की रिलेटिव पोजीशन चेक करेंगे, 0 और 1 मतलब ये 0 और 1 की पोजीशन चेक करेंगे, 40 है 10 है, गड़बड़ है, कंडीशन सेटिस्फाइड, स्वैप करो, स्वैप इज इक्वल टू 1 दे दो, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 40, बराबर है। आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं। तो 0 तो हो गई वैल्यू, अभी 1 लेते हैं, 1 वैल्यू ले सकता है जे, 2 नहीं ले सकता, 1 ले सकता है, तो 1 लिया। अब मैं ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2 इन दोनों के बीच में ऑर्डर रिलेटिव पोजिशनिंग चेक करूँगा, इन दोनों के बीच में चेक करूँगा, तो 40 एंड 2 भैया गड़बड़ है, तो 20 इधर आएगा, 40 इधर आएगा, और आपका स्वैप वेरिएबल 1 हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद आप इस इनर फॉर लूप से बाहर निकलते हो, बराबर, इनर फॉर लूप से बाहर निकलते हो, स्वैप्ड तो आपका 1 हो गया है क्योंकि आपने दो बार स्वैपिंग की है, तो भैया ये कंडीशन वापस से फॉल्स हो जाएगी, तो आप ब्रेक नहीं करोगे, आप वापस से जो आई की वैल्यू है वो नहीं लाओगे अभी, ओके। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बराबर है कि नहीं बात। तो आई की वैल्यू अभी आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ हियर व्हाट द जे वैल्यू विल बी, वापस से आई की वैल्यू 2 होने के बाद स्वैप्ड हमने वापस 0 कर लिया, और यहाँ जे की वैल्यू 0 से कहाँ तक रन करेगी, नाउ इट इज़ एन माइनस आई इज 2, 2 एंड 1, 3, दैट इज 4 माइनस, 4 माइनस 3 इट इज गोइंग टू बी 1, तो मतलब इट कैन टेक जस्ट द वैल्यू ऑफ 0, बस इतना ही हो सकता, मतलब वो सिर्फ 0 की वैल्यू ले सकता, उसके आगे नहीं जा सकता, बराबर। तो जे मैं सिर्फ 0 वैल्यू से ले सकता हूँ, 1 जैसे ले लूंगा बाहर पड़ जाऊंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। कंपेरिजन किसके बीच में होगा, ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 के बीच में। नाउ इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया कि भैया वो सिर्फ 0 तक जा सकता है, इसका मतलब क्या कि अभी मेरा 40 जो है, जो 40 एलिमेंट है वो भी अभी उसकी सॉर्टेड पोजीशन ऑक्यूपाई कर चुका है। मतलब जैसे जैसे हम लोग एक एक, जैसे इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू जब 0 थी, जब वो 0 थी, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं था मतलब विच हैज टेकन इट सॉर्टेड पोजिशन, बराबर, तो वो 0 था। जैसे ही 1 आया, 1 का मतलब क्या कि जो 50 है वो अपनी सॉर्टेड पोजिशन ले चुका है, 2 आया इसका मतलब 40 जो है वो अपनी सॉर्टेड पोजिशन ले चुका है। अभी हमें बाकी के बारे में देखना है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में देखना है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का क्या, इनकी रिलेटिव पोजिशनिंग सही है, हाँ बराबर है, तो 10 तो सही है, 20 तो सही है, तो भैया ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा मतलब स्वैप्ड की वैल्यू आपकी 1 नहीं रहेगी, वो 0 ही रहेगी जो कि हमने इनिशियली मार्क की थी, हम इससे बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही भैया हम इससे बाहर आते हैं, हम लोग इस स्टेटमेंट को एनकाउंटर करते हैं और चेक करते हैं स्वैप्ड इज इक्वल टू 0 है क्या, यस इट इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने अभी फिलहाल तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग की ही नहीं है, बराबर है, तो स्वैप इज इक्वल टू 1 है ही नहीं, वो इनिशियली 0 था तो 0 ही है, और फिर आप सीधा ब्रेक करते हो और यहीं पे स्टॉप करते हो, ओके। अब स्टॉप करने के बाद अगर आप गौर से देखोगे 10, 20, 40, 50, नाउ दिस इज होल सॉर्टेड, दिस इज होल सॉर्टेड। तो एक्चुअल में प्रोसीजर यही है दोस्तों, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसीजर, अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो, अगर एक शॉर्ट में अभी आपको मैं बताना चाहूं तो, कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो, एक रिवर्स ऑर्डर ले लो, पूरा रिवर्स सॉर्टेड एरे ले लो लाइक दिस, ओके। तो प्रोसीजर क्या होगा, आप रिलेटिवली चेक करते जाओगे, रिलेटिव जो उसकी पोजीशन है चेक करते जाओगे, एट द एंड ऑफ दैट इटरेशन व्हाट यू विल एनकाउंटर, यहाँ 5 आ चुका होगा, बराबर। उसके बाद आप बाकी जो एलिमेंट्स है, तो अभी इसको छोड़ दोगे, इसे छोड़ दोगे, अभी इसे कंसिडर नहीं करोगे, इसके सॉर्टेड पोजीशन आ चुकी है बाय यूजिंग बबल सॉर्ट, ओके। आप आगे जाओगे, आगे जाने के बाद क्या आप एनकाउंटर करोगे, यहाँ पे 4 और 5 आ चुका होगा, बराबर। अब इन दोनों को फिर आप छोड़ दोगे अगले के लिए, और अगले में जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 3, 4 और 5,
करेक्ट। अब इन तीनों को छोड़ दोगे और जो बचे हुए उनको उनके ऊपर फोकस करोगे और आखिर में क्या बच जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम सबसे पहले यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो बिगेस्ट हाईएस्ट वैल्यूड एलिमेंट है उसको हम राइट मोस्ट में पहले बिठा देते हैं, ओके उसके अगले स्टेप में सेकंड हाईएस्ट को उसके लेफ्ट में बिठाते हैं, उसके अगले स्टेप में थर्ड हाईएस्ट को उसके साइड में बिठाते हैं और फाइनली फोर्थ हाईएस्ट और जितने भी एलिमेंट्स ऐसे होंगे फिर हमारा फाइनली वो सॉर्टेड मैनर में दिखता है। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में हो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू था 50, तो 50 पहले अपना सॉर्टेड पोजिशन यानी राइट पोजिशन में जाके बैठ गया, मोस्ट ऑफ द राइट वहाँ बैठ गया। उसके बाद हमने क्या लिया, सेकेंड हाईएस्ट 40 था तो 40 वहाँ जाके बैठ गया और उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज वो दोनों के दोनों पेयर पहले से सॉर्टेड थे। तो उसके बाद का हाईएस्ट 20 और उसके बाद का हाईएस्ट 10, ये बिहेवियर होता है बबल सॉर्ट का जो मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पे अभी बता दिया है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़े बहुत अगर डाउट्स फिर भी बच गए होंगे तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है, वहाँ कमेंट कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों का जवाब देने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए और उससे जरूरी इस वीडियो को जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।